का पे रेट बहुत अच्छा हो। ये मोबाइल में वो गाड़ी वाला सिस्टम है, आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है जिसके थ्रू वो आपकी इमिग्रेशन में हेल्प भी कर सकते हैं, तो उसमें आर्म गार्ड की जरूरत होती है। जान भाई हथेली भी लेके चल रहे हो तो पैसे तो ज्यादा मिलेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट टाइम जॉब्स की जब भी बात होती है तब सिक्योरिटी जॉब का नाम अक्सर लिया जाता है, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे वेयरहाउसेस की बात करें, चाहे बैंक्स की बात करें, चाहे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हर जगह सिक्योरिटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहती है। सो अक्सर बोला जाता है कि कैजुअल शिफ्ट करने के लिए, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो क्या ये अच्छा ऑप्शन है? सुनने को ये भी मिलता है कि ये एक डेड एंड जॉब है। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स रह सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और साथ में आप अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो। तो आज अपने वीडियो एक सिक्योरिटी फील्ड सुपरवाइजर के साथ कर रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर करेंगे और उनकी नॉलेज भी। So, कैसे हो राहुल भाई? Are you all good? How are you, brother? I am good, good. तो भाई राहुल भाई से पूछते हैं सारा कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, सिक्योरिटी क्यों? सिक्योरिटी हम सोचते हैं सिर्फ एक नॉर्मल गार्ड खड़ा है, अपना देख रहा है, वॉच कर रहा है। बहुत वास्ट फील्ड है, आप इनहेंस करके कहीं पे भी हो सकते हो। ओके, तो उसके बारे में आगे चलो वीडियो में अपने बात करते हैं। हाँ जी। तो राहुल भाई, मतलब सुपरवाइजर पोस्ट के अंदर क्या जॉब ड्यूटीज रहती है? आपको मल्टीपल साइट या फिर मल्टीपल गार्ड्स को संभालना पड़ता है? बहुत सारी चीजें होती है पेंडिंग अपॉन आपके पास कितनी साइट्स हैं, उन साइट्स पे क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार वन मैन साइट्स भी होती हैं, कई बार लाइक टू और थ्री मैन साइट्स भी होती हैं, जहाँ पे फिर वी हैव लाइक अ साइट डेडिकेटेड पर्सन, फिर हम उसको अप्रोच करते हैं। सो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, गार्ड्स को मिलते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं इज देयर एनी इश्यूज गोइंग ऑन, क्या उनके साथ चल रहा है, इज देयर एनी कंसर्न दे वांट लाइक पास ऑन टू द मैनेजमेंट। तो डैमेज कंट्रोल हम उसे इनिशियल लेवल पे ही करते हैं, इससे पहले कि क्लाइंट आग ज्यादा फैले। आग ज्यादा फैलने से पहले ही है कि एक्सटिंग्विशर लो, खींचो, पुल करके उसको सेटल करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, एक तो नाम के सुपरवाइजर भी बहुत घूम रहे हैं आजकल, आपको पता है बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स हैं, बट इसमें आपको लिटरली यू हैव टू मैनेज लाइक अ बिग ग्रुप ऑफ गार्ड्स एंड पीपल, राइट? हां जी। ओके, सो गाइस एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया। क्या? कई बार क्या होता है, लास्ट मिनट लेट शोज और नो शोज, एट दैट टाइम हमें मैनेजर्स कॉल करते हैं और कहते हैं बडी गो ग्राउंड देयर फॉर अ व्हाइल। ग्राउंड का मतलब भी हो जाता, ग्राउंड का मतलब कि इन्हें जाके फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की जगह एक बार ग्राउंड होना पड़ता है, संभालनी हमें संभालनी पड़ती है, उसकी पोस्ट की ड्यूटीज हमें करनी पड़ती है सारी। तो हम फील्ड सुपरवाइजर से बैक टू द गार्ड। और मैंने देखा है कि कुछ गार्ड्स के पास वेपन भी होता है व्हेन दे आर गार्डिंग मनी या फिर कोई एटीएम मशीन में आ रहा है। हां जी, मेरे पे फायर आर्म्स का भी लाइसेंस है। और सिक्योरिटी का काम करने के लिए हमें लाइसेंस की भी नीड होती है। यस। तो जिनको नहीं पता, सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाना बहुत ईजी रहता है और पैसे भी इसमें कुछ ज्यादा नहीं लगते। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 40 आवर्स की क्लास लेनी होती है, साथ में आपकी सीपीआर ट्रेनिंग भी होती है, एंड देन आप एलिजिबल हो जाते हो ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। और एग्जाम बड़ा इजी होता है, जैसे आप एग्जाम निकाल लेते हो देन आपको लाइसेंस अप्लाई करना रहता है, फिर जो डिजिटल लाइसेंस है वो तो आपके पास राइट अवे आ जाता है। सो गाइस, लाइसेंस की बात हो रही है तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर्स की। तो अगर आप भी कनाडा के अंदर ओंटारियो जैसी प्रोविंस में रह रहे हो और आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है, देन गाइस आप ओंटारियो सिक्योरिटी हब से अपने सिक्योरिटी लाइसेंस की ट्रेनिंग सीमलेसली ले सकते हो, जो कि ओंटारियो मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है। ये आपको पूरा गाइड करेंगे आपकी 40 आवर्स की क्लासेस में, सीपीआर में, एंड उसके बाद इवेंचुअली आप अपना लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो एग्जाम देने से पहले जो आप 40 आवर्स की क्लास लेते हो उसमें आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर मिलता है, जिसके थ्रू फिर आप अपना एग्जाम जो है वो बुक कर सकते हो। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं सिक्योरिटी में, वो आज जाके अपने लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं वापस से वीडियो के अंदर। तो राहुल भाई, अब अपने बढ़ते हैं वही फ्यूचर एस्पेक्ट पे। अब सबसे पहले अगर अपने बात करें फील्ड के अंदर, एक तो गार्ड्स हो गए, इसके अलावा भी कुछ होता है फील्ड के अंदर? एक होता है फील्ड सुपरवाइजर, एक होता है मोबाइल सुपरवाइजर। ये मोबाइल में वो गाड़ी वाला सिस्टम है? मोबाइल में गाड़ी वाला सिस्टम है। पहले मैंडेटरी होता है कि आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस होना चाहिए। सेकंड मैंडेटरी थिंग जो होती है वो हमें आपके पास एक जी लाइसेंस। G2 से काम नहीं चलेगा? नहीं, G2 से काम नहीं चलता, बिकॉज समटाइम्स नाइट टाइम भी होती है, नाइट शिफ्ट्स भी होती है, एंड यू हैव टू ड्राइव ऑन हाईवे। तो कॉर्पोरेट का मैंने बड़ा सुना है कि आप मैनेजमेंट साइड भी आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, तो उसमें कौन सी जॉब्स हैं? सब बच्चे ही गार्ड से स्टार्ट करते हैं। एक बार तो बंदा कहता है कि भाई एक्सपेंसेस निकालने हैं, एक्सपेंसेस निकालने हैं, एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई आप ग्राउंड लेवल से जब सीखते हैं तो आपको रियलिटी का पता होता है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन में आप बहुत वास्ट ग्रो कर सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल में सिक्योरिटीज में, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, HR डिपार्टमेंट होता है, आप रिक्रूटिंग में जा सकते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद देयर इज लाइक एसेट प्रोटेक्शन थिंग्स होता है, अकाउंटिंग में आप जा सकते हैं, IT डिपार्टमेंट हो सकता है, आप ऑपरेशंस में जा सकते हैं, तो उसमें भी बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आपको गार्ड बन के ही इन जॉब्स में जाना होता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नीचे से स्टार्ट भी कर रहे हो, एक बार किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, हायर हो रहे हो, देन आप उन्हें बहुत इजीली कॉन्टैक्ट कर
सकते हो, आपके कंपनी के अंदर ही रेफरेंसेज एंड नॉन कॉन्टेक्ट बन जाते हैं जिनको आप बता सकते हो कि भाई मेरा पहले बैकग्राउंड ये रहा है, मैं मैनेजमेंट में भी काम किया हुआ है या फिर मेरे पास स्किल सेट है। तो बहुत से लोग हमने खुद ने पर्सनली भी देखे हैं जो नीचे से बॉटम से स्टार्ट करके गार्ड सुपरवाइजर से आज अच्छी मैनेजमेंट पोजीशंस में बैठे हैं बड़ी सिक्योरिटी फर्म्स में। हमारे पास एक बंदा है सूट बूट वाला, वो आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। तो कभी ट्राई करेंगे उनसे भी वीडियो करवाने की, बहुत अच्छी उनकी भी जर्नी है सारी। और बहुत से बंदे मैंने देखा है सिक्योरिटी वाले रस्ते से ही निकल के आगे पुलिस में जाते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह करते हैं। हाँ जी, आपने बहुत देखा होगा कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो आपको देखने में पता लग जाता है ये बंदा टाइम पास कर रहा है, बट कईयों को आपने देखा होगा पूरी वेस्ट वगैरह पहन के डिसिप्लिन से काम कर रहे होते हैं। एंड उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आगे अपनी विजन पुलिस करियर में जाने का सोचते हैं। और कुछ यही अपने बात कर रहे थे कि बैंक्स को भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होते हैं जिनके पास आर्म्ड गार्ड्स होते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे आप डेली ट्रांजैक्शंस के लिए एटीएम से जाके कैश निकालते हैं, तो कुछ कंपनीज है एक ब्रिंक्स और एक गार्डा, बहुत सारे मतलब एसोसिएशंस है जिनसे वो कैश कलेक्ट करते हैं और उनके बिहाफ पे वो कैश उनका बैंक में जमा करवाते हैं। दूसरा, वो एटीएम्स में जाके कैश रिफिल्स करते हैं, तो उसमें आर्म्ड गार्ड की जरूरत होती है। और उनके पे रेट भी अच्छे होते होंगे, उनका पे रेट बहुत अच्छा होता है। जान भाई हथेली भी लेके चल रहे हो तो पैसे तो ज्यादा मिलेंगे ना, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा मनी। तो चलो अगर अपने स्मॉल कंपनीज की बात करें, बहुत सारे हमारे जैसे इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे चलो पक्के हो गए या सिटीजन बन गए, उन्होंने अपनी छोटी छोटी कंपनीज भी खोल रखी हैं छोटे स्टाफ के साथ, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, तो उनमें भी बच्चे अपना ट्राई कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, आल से के भाई अगर आप बड़ी कंपनीज में एंटर नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक छोटी कंपनी से स्टार्ट करें, जस्ट गेट योर एक्सपीरियंस डेवलप, रिज्यूमे में वो चीजें ऐड करें ताकि आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी का पता हो, कैसे काम होता है कैसे नहीं होता। वंस यू हैव दैट एक्सपीरियंस, जब वो एक्सपीरियंस आपके हाथ में आ जाता है, आप बड़ी कंपनीज में इजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब बड़ी कंपनीज का क्या चक्कर होता है, वो ऑनलाइन ही रिक्रूटमेंट करते हैं ज्यादातर, या फिर आपका कोई बहुत अच्छा अगर रेफरेंस हो। अब छोटी कंपनीज में क्या होता है कि आपको इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी एड्स मिल जाएंगे उनकी, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको कभी कभी कुछ लीड्स मिल जाती हैं। बेसिकली दे आर वर्ड ऑफ माउथ टू, आपका कोई ना कोई फ्रेंड वहां पे होता ही है, होता ही है। तो वो इजिली एडजस्टमेंट भी करवा देते हैं बिकॉज ऑल दे वॉन्ट इज गुड एंड रिलायबल गार्ड। सो इन दी एंड अगर अपने बात करें सिक्योरिटी गार्ड एक डेड एंड जॉब है, ये कहना आई गेस गलत होगा। बिल्कुल नॉट से गलत होगा, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट इट हाउ यू सीइंग दैट थिंग, आप उसको कैसे देख रहे हैं। अब एक बंदा 7 साल से गार्ड की पोजीशन पे है, वो बस अपने बिल्स पे कर रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली वो एक डेड एंड जॉब कि वो मिनिमम वेज जॉब पे मिनिमम वेज पे ही वो 7 या 5 साल से वहीं सर्वाइव कर रहा है, उसने कोई ग्रोथ नहीं देखी या उसके अंदर वो स्किल सेट नहीं था इंप्रूव करने का। बट मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं कि भाई वो कंपनी में हायर होते हैं एंड विद इन ईयर दे हैव दैट स्किल सेट, वो प्रूव करके दिखाते हैं कंपनी को कि भाई वो एक गुड एसेट होंगे कंपनी के लिए और वो ग्रोथ करते हैं। जिसको फील्ड पसंद आता है वो फील्ड में रह जाता है और जिसको कॉर्पोरेट लाइफ में एंजॉय करना है तो कॉर्पोरेट लाइफ में ग्रो कर लेता है। एक हमारे मन में डाउट चलता है हमेशा कि भाई इमिग्रेंट आए हैं हम ऐसा, तो हमारा स्टेटस क्या है, हम पीआर कब होंगे? तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो कंपनीज के लिए और उनके लिए आप एक वैल्यूएबल एसेट साबित होते हो, इमिग्रेशन में वो आपको हेल्प करती है। अगर अच्छी कंपनी है, आप उनके लिए बहुत अच्छे एम्प्लॉई हो, सो वो आपको रिटेन करना चाहेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू वो आपकी इमिग्रेशन में हेल्प भी कर सकते हैं कि भाई ये बंदा हमें रिटेन करके रखना है क्योंकि इसकी जगह पे हम कोई और बंदा नहीं ढूंढ पा रहे जो इतना वैल्यूएबल हो। अब जिन बंदों ने अच्छी कंपनीज में काम किया है उन्हें पता भी होगा कि कंपनी स्टार्टिंग में जेब से पैसे लगा के, जेब से अपने रिसोर्सेज लगा के एक गार्ड को तैयार करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू। तो बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो घर बैठे बस कंप्लेन करते रहेंगे कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कनाडा में हमारा क्या फ्यूचर रहेगा, बट एट द सेम टाइम बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो डेली ग्राउंड पे जाके मेहनत कर रहे हैं, अपने डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो गाइस नेवर लूज होप, मेहनत करते रहो, एक अपनी विजन हमेशा साथ में रखो कि भाई मेरे को किस फील्ड में जाना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस साल भी नहीं कनाडा आ रहे हैं तो हमने सोचा सिक्योरिटी के ऊपर भी एक वीडियो बनती है। सो थैंक यू राहुल भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो गाइस अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो लाइक जरूर कर देना। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। टेक केयर।